कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में बीती रात जिस वक्त लोग दीपावली में मशगूल थे, पुराना के ब्लॉक में पुलिस व अन्य वाहनों को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब दहेज हत्या के अभियुक्त अपने बंद पड़े मकान की सफाई करने वहां पहुंचे थे। बाहर ताला डालकर भीतर सफाई हो रही थी तभी नवविवाहिता के परिजनों को किसी ने सूचित कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने वर पक्ष के लोगों को अपने वाहन में बिठा लिया। नवविवाहिता के परिजन पुलिस वाहन में बंद लोगों को यह कहते हुए अपने हवाले करने की बात कर रहे थे कि जिस तरह इन्होंने उसकी बहन को मारा है इन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। हालात इतने बिगड़े कि वहां पथराव हुआ और पुलिस वाहन समेत अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह वाक्य गुरुवार की रात साई बगिया का है। दरअसल लालकुर्ती थाना क्षेत्र के कसूरखेड़ा निवासी निशा वर्मा का विवाह के ब्लॉक निवासी दीपक वर्मा से हुआ था। दीपक वर्मा बैंक में अकाउंटेंट है। शादी के 2 माह बाद ही निशा की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे दहेज के लिए हत्या करार दिया था। पुलिस ने दीपक, उसकी मां मंजू वर्मा व पिता देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निशा के जेठ व देवर फरार चल रहे थे। ये लोग ही वहां सफाई के लिए पहुंचे थे। मौके पर मौजूद firstbite.tv ने इन हालातों को अपने कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। निशा वर्मा के मायके पक्ष की महिला ने पुलिस कार्रवाई के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए यह बताया। बेटी थी। अच्छा। हाँ। क्या नाम था उसका? निशा। निशा वर्मा। कब शादी हुई थी और आज क्या हुआ? आज ये हुआ, क्या नाम है, जिठानी और जेठ आया था, सुबह ही आए होंगे, अब जो भी आए देखो, और देवर आया था। तो देवर के अपने घर की साफ सफाई करवा रहे थे, बाहर से ताला लगवा दिया, भाई भाई से लगवा दिया होगा। अब जैसा हमें पता लगी, हम गए भी नहीं, फिर भी हम नहीं गए, हम इनकी कोई बात नहीं है कि अब जैसे भी है देखो। तो वहाँ पे काफी हंगामा हो रहा था, हमें फिर किसी ने फोन करा तो हमें फोन करके बुलाया। मैं जाए 10 मिनट या 15 मिनट मुश्किल से हुए थे हमें गए हुए बस। हाँ, हंगामा करने वाले कौन लोग थे? पता नहीं, वही मोहल्ले पड़ोस के थे। पुलिस की गाड़ी पर तोड़फोड़ जो भी हुई है अब देखो, मेरे को तो पता नहीं। हाँ, मोहल्ले पड़ोस की थे। आप लोग कितने लोग आए थे इकट्ठे? हम तो ज्यादा 5-6 जने थे, ज्यादा नहीं थे। हाँ, गाड़ी वाड़ी भी नहीं है हमारा, तो हम दीदी गाड़ी वाड़ी में भी आते थे, स्कूटी पे बाइक पे ऐसे ही आए थे बस, बाइक पे नहीं आए थे बस। ज्यादा 10 या 15 मिनट मुश्किल से हुए थे। मतलब जो आपके साथ बच्चे आए होंगे, नए गुस्सा भी आ जाता है। आप देखो, तन मन से गुस्सा भी हुआ है। देखो वैसे उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं करा, देखो
आप देखो पता नहीं वो कौन थे। अब देखो मोहल्ले पड़ोस के भी थे, देखो मोहल्ले पड़ोस के पहले ही थे, मैं हम बता तो रहे हैं, 10 या 15 मिनट मुश्किल से हुई थी हमें गए। अब पुलिस वाले तो पता नहीं, मेरे को मुझे क्या पता, देखो कितने घायल हुए, नहीं मेरे को नहीं पता कितने घायल हुए, देखो कितने नहीं पुलिस वाले, पुलिस वाले को तो वही ना, पुलिस वाले ने तो मुझे तो देखो मेरी बेटी थी, मैं थोड़ा मैंने तो करा मैं कर लो बस। देखो बेटी किसी की भी बेटी हो, अब बेटी को तो बेटी रहेगी तो गुस्सा तो आ ही जाता है देखो थोड़ा सा बस, और तो कुछ नहीं करा, थोड़ी बहुत खिचकदारी आप लोगों ने, हाँ थोड़ी बस, हमने ही करी थी, मैंने बस वैसे और किसी ने नहीं करी थी, बिल्कुल हमारे घर वाले ने तो बचा ही रहते वे तो जो अंदर है वे, और वो तो बहुत ही वैसे है वो तो नाए कर रहे थे। इस बारे में एसपीसीटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। कल शास्त्री नगर में सर झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए कल थाना नौचंदी के ब्लॉक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में एक दहेज हत्या के मामले को लेकर विवाद चल रहा था, इसी विवाद के चलते कल इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट की सूचना पर पीआरवी और लोकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, जब इनका बीच बचाव किया गया तो पुलिस के साथ भी इनके द्वारा अभद्रता की गई है। इसकी सूचना मिलते ही मेरे साथ साथ जितने भी आला अधिकारी थे सभी लोग मौके पर पहुंचे तथा शांति व्यवस्था कायम की गई। इसमें किसी पुलिस को कोई चोट नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है और इसमें टोटल 4 लोग हिरासत में लिए गए, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।